तो सातवां चरण है, आखिरी रण है, 7 तारीख सातवां चरण, मतदान खत्म, तमाम तरह के दावे और इन दावों के भीतर एक हकीकत छिपी है। कोई कितने भी दावे जीत के करे, कोई 300 पार, कोई 250 पार, कोई ये कहे कि हमारे बिना नहीं बनेगी सरकार, मगर ये चुनाव मिनी लोकसभा इलेक्शन आप इसे कह सकते हैं। पहले चरण से लेकर 6 चरण तक कई पड़ाव देखे आपने, लेकिन 202 के जादुई आंकड़े को कोई दल क्या इतनी आसानी से पार कर लेगा? यह दावा तो बीजेपी का भी है और वही दावा समाजवादी पार्टी का भी, लेकिन इस अहम सवाल के साथ एक सवाल यह भी है कि क्या ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, अफसरशाही, उसे सत्ता परिवर्तन की क्या भनक लगी है? इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आई जिसको लेकर दावा किया गया कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। कल तक गोरखपुर सियासत का केंद्र था, मगर अब बनारस सियासत का केंद्र बना हुआ है। पूर्वांचल में बीजेपी को नुकसान, सीधे तौर पर पीएम मोदी का खुद का नुकसान यह माना जा सकता है। आखिरकार कौन मारेगा बाजी, कौन आखिर पार पड़ेगा, किस पर भारी, क्या संकेत है सातवें चरण का? उत्तर प्रदेश चुनाव का यह आखिरी चरण है, अब 10 मार्च को क्या होगा? 5 में से कितने राज्य जीतने जा रही है बीजेपी, और फाइनल राउंड में आखिरकार किसका डंका बजेगा, किसके नाम होगा यह फाइनल राउंड, और क्या वाकई में इस 6 चरण के चुनाव जो हो चुके हैं उसमें जनता सरकार बनाना तय कर चुकी है, या अभी भी ग्राउंड ओपन है, फाइट ओपन है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दावों के भीतर योगी आदित्यनाथ का दावा सुनाते हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता उन्हें ही चुनने जा रही है, यानी कि बीजेपी को ही मौका देने जा रही है। 2 बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। दादा, किसानों से अगर मैं इस योजना को प्रारंभ करूं, आज आप देख रहे होंगे अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमएसपी की घोषणा 1967 में हुई, लेकिन वास्तविक रूप से अन्नदाता किसानों को उनकी उपज का 1.5 गुना दाम मिल जाए, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017-18 में लागू कराया। उत्तर प्रदेश में प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लेके आई। किसान की उपज को खरीदने के लिए कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई आड़ती नहीं होगा, किसान को उसकी उपज का दाम सीधे मिले, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया। किसान को अपनी फसल को और कई बहु फसल अपने खेत में उगा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उपयोग किया गया। 10 दशकों से लंबित बाण सागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जैसी 1.5 दर्जन से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया। 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य इस दौरान डबल इंजन सरकार ने किया। अन्नदाता किसानों को शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ देते हुए उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, और वर्तमान में 2.54 करोड़ से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में 10 मार्च को फिर से डबल इंजन की सरकार प्रदेश में पदारूढ़ होगी
और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। मुझे यही आप सबसे कहना था इस पूरे चुनाव कैंपेन के बारे में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 6 चरणों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। ये प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई कानून का राज उसका एक उदाहरण है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त विनय सिंह जुड़ चुके हैं जो कि समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं, समाजवादी का पक्ष रखेंगे। जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। कुछ ही देर में बीजेपी का चेहरा हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले विनय सिंह, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ हम करना चाहेंगे। जरा ये समझाइए कि अभी चुनाव का आखिरी रण बाकी है, आखिरी चरण बाकी है, क्या 6ठे चरण तक चुनाव खत्म हो चुका था या फिर अभी भी ग्राउंड खाली है? आपको क्या लगता है कि क्या 6ठे चरण तक जनता तय कर चुकी थी कि किसकी सरकार बनाना है, और क्या यह चुनाव अब सिर्फ लीड लेने के लिए है या फिर अभी भी मुकाबला टफ है? देखिए, 6ठे चरण तक जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बढ़त के साथ बहुत आगे निकल चुकी थी। बहुत आगे कितना? 6ठे चरण में ये समझिए ऐतिहासिक जी। बहुत आगे कितना? जी जी जी, ये हम अभी तक जो है 6ठे चरण तक मान के चलिए कि 230-240 तक हम पहुंच चुके हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये आप जो है जो उत्तर, मतलब बहुमत हासिल कर चुके हैं, ये अब सिर्फ जो है वो 300 पार तो अब हो नहीं पाएगा आपके मुताबिक, तो फिर आप सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं कि अब जो है बहुमत तो मिल चुका है आपको, यानी कुल मिलाकर? जी जी, देखिए आपको बता दें, मैं अभी गोरखपुर अभी रहा हूँ, मैं वहाँ के चुनाव में लगातार कैंपेन में रहा और कई सभाओं में, लेकिन गोरखपुर की स्थिति है, ये योगी जी का गढ़ है, लेकिन गोरखपुर में आप समझिए योगी जी की ही सीट पर केवल थोड़ी बहुत फाइट है, नहीं तो 8 की 8 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ और इस चीज को आप याद रखिएगा, तब भी आप मुझसे पूछिएगा, इस चीज को मैं उसी तरीके से बताऊंगा। और उत्तर प्रदेश में बस्ती कहा जाता है, पूर्वांचल में आता है, देवरिया कहा जाता है, इन सारी जगहों पे समाजवादी पार्टी बहुत ऊपर, बहुत ही ज्यादा बढ़त के साथ आगे निकल चुकी है। देखिए अच्छा। कारण है इसका, आज आप देख रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहीं न कहीं बनारस के कैंपेन से अलग कर दिए गए। योगी आदित्यनाथ जी को अलग रख करके पूरा कैबिनेट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की कहीं न कहीं गरिमा, कहीं न कहीं उनकी लोकसभा को बचाने का प्रयास कर रहा। आज होना कहाँ चाहिए प्रधानमंत्री को? आज प्रधानमंत्री को होना चाहिए यूक्रेन में 10 डिग्री के सेल्सियस पे। अच्छा, यूक्रेन में जाके यूक्रेन में जाके युद्ध लड़े? आप कह रहे प्रधानमंत्री यूक्रेन में जाके युद्ध लड़े? ओके, अब मुझे एक बात, नहीं मैंने ये नहीं कहा, आप नहीं, मैं ये नहीं कहा, आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि उन छात्रों को कैसे ले आएगा, क्यों नहीं बनानी चाहिए? आप आकर के यहाँ पर जो है आप रोड शो कर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे भयभीत हैं और आप रोड शो कर रहे हैं। अच्छा, तो रोड शो नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यानी आप ये कह रहे हैं कि 240 सीटें तो हम जीत चुके हैं और अब जो है ये बाकी की 50 से ज्यादा सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भी लगभग 40-50 सीटें तो आप जीत ही रहे होंगे? ये क्लीन स्वीप है, बिल्कुल क्लीन स्वीप है सर, आएगा परिणाम बताएंगे आपको। अच्छा, तो आपसे बात करेंगे, क्लीन स्वीप है। नहीं, वो तो ठीक, 240 तो ऐसे बता रहे हैं कि शायद हम 240 हो सकता है या ऊपर भी हो। अच्छा, यानी 300 पार कर देंगे इस बात का चरण मिला के? ठीक लगा, मांगनी जी का जो नारा है वो हमें विश्वास है पार करें। नहीं नहीं, ठीक लगा लीजिए, कुछ ज्यादा नहीं हो गया विनय जी? कुछ नहीं ज्यादा हुआ, परिणाम आएगा, देख लीजिएगा। इनको जनता पसंद नहीं कर रही है, गांव में पहली बार आपने चुनाव में देखा है इनके प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है। अच्छा। किस तरीके से भगाया जा रहा है? अच्छा, गोरखपुर होकर आया आदित्यनाथ जी महाराज का गढ़ इस तरह भयभीत हो
हाँ जी, तो गोरखपुर, गोरखपुर की सीट भी हार रहे योगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, योगी जी गोरखपुर की सीट हार सकते हैं। अच्छा, तो ये क्योंकि मैं भी ग्राउंड पे गया, हमारी टीम भी ग्राउंड पे गई, गोरखपुर मैं भी गया, ये तमाम ऋषि मुनि जो है वो इतनी तपस्या कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं चल रहा? मैंने तो तमाम विद्वान ज्योतिषों से पूछा, मैंने कहा कि भैया बता दो किसकी सरकार बन रही है, मैं बता दूंगा चैनल पर कि भैया इनकी सरकार बन रही है इन ज्योतिष के मुताबिक, उन ज्योतिषाचार्य के मुताबिक। अब देखिए इतनी तपस्या करते हैं दिन रात वो ऋषि मुनि, उनको मालूम नहीं चल रहा, लेकिन विनय जी आपको मालूम चल गया कि गोरखपुर हार रहे हैं। बिल्कुल, जनता देखिए, हम जनता जनार्दन के बीच में है, जनता ही इस लोकतंत्र की भगवान है, ये ऋषि मुनि क्या बताएंगे, ये ऋषि मुनि ये सारे हमेशा लोग जो है ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन करते रहे। अच्छा, ये ऋषि मुनि भी भाजपा ही है, बाहर निकलेंगे तब तो पता चलेगा। अच्छा, ऋषि मुनि भी भाजपा ही है, मुझे तो आज पता चला ये सारे ऋषि मुनि भाजपा ही है, ये लोकतंत्र के जो ऋषि मुनि है। अच्छा, लोकतंत्र के ऋषि मुनि। नहीं नहीं, आप भी हमारे सामने जो बैठे हैं, क्योंकि तमाम ज्योतिषाचार्य फेल हो गए, लेकिन विनय जी बता रहे हैं कि गोरखपुर भी हार रहे हैं योगी, मैंने नोट कर लिया। यह विश्वास है, यह विश्वास है, होना चाहिए, जनता का आशीर्वाद होना चाहिए, विश्वास देख कर, विश्वास और अंधविश्वास में बहुत बारीक रेखा होती है, होना चाहिए। नहीं, अंधविश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी को है। जी जी, कि हमने ओके, किया कुछ नहीं है, जनता को, ओके, जनता ने दंग दिया। गुलरेश भाई भी जुड़ गए, गुलरेश भाई भी मेरे साथ जुड़ गए। गुलरेश भाई, थोड़ा सा मूड हल्का करते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले आपकी और हमारी एक चर्चा हो रही थी, वो चर्चा पे ही मैं शुरुआत करता हूँ जहां पे वो चर्चा खत्म हुई थी। आप सोचते होंगे मैं भूल जाता हूं, लेकिन मेरी याद आता है, मैं भूलता नहीं। सवाल ले लीजिए, सवाल ये है, सवाल के साथ साथ मुझे लगता है कि थोड़ा सा, एक आज चल रहा था जोक ऑफ द डे, पता है क्या, किसी ने कहा कि सातवें चरण का चुनाव, मतदान खत्म, 7 तारीख को आखिरी रण, जैसे हमने भी चला रहे हैं, 7 तारीख आखिरी रण। गुर्रे जी, मेरे एक मित्र थे, बोले क्या होने वाला है, बोले कि क्या होने वाला है, 7 तारीख को फाइनल हो जाएगा सब कुछ, ईवीएम में कैद, अब क्या होगा 7 के बाद। मैंने कहा भाई कोई जीते कोई हारे, तुम बाकी ये करो कि अपनी टैंकी फुल करवा लो गाड़ी की, गाड़ी की टैंकी फुल करवा लो। बोले क्यों? मैंने कहा कि 7 के बाद बढ़ेगा रेट। बोले कितना? मैंने कहा 200 पार। बोले 200 पार? बोले चुनाव जीत रहे हो, सीटें जीतवा रहे हो? मैंने कहा रेट बता रहा हूं, 200 पार। तो ये गाड़ी की टैंकी फुल करवा लूं कि नहीं गुर्रेश भाई, 7 तारीख आ रही है। आपने मुझे कुछ दिन कि आप मेरे घर आएंगे चुनाव के बाद, तो आपको टंकी प्रदेश और दूरी है। अच्छा, मतलब मैं आपके घर आऊं तो टैंकी फुल करवा के आऊं? टंकी फुल करानी पड़ेगी। मेरे मित्र बन, ना मित्र बन के तो आ जाऊंगा, लेकिन भाजपाइयों के घर जाता ही नहीं सर मैं सपा वालों के घर भी नहीं जाता, कांग्रेसियों के घर भी नहीं जाता। मित्र होने के नाते जरूर आ जाऊंगा, लेकिन इतना तो बता दो मुझे आप कि गाड़ी की टैंकी फुल करवा लूं कि नहीं, रेट बढ़ रहा है कि नहीं 7 को? ये छोड़िए 200 पार 300 पार, वो तो हो जाएगा, 100 पार तो पेट्रोल। आज हम चुनाव की विषय पे कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव की चर्चा करूं, पेट्रोल की नहीं? विनय ने सारे उन्होंने ये भी कहा विश्वास और अंधविश्वास, तो अंधविश्वास कहते हैं कि कोई मोड़ा नहीं जाता। आपके नेटवर्क में कभी दिक्कत नहीं आती गुरेश भाई? आज कुछ समस्या आ रही है नेटवर्क में, ऑडियो में पता नहीं क्यों आ रही है, मेरे पास बीच-बीच में जो गायब हो रहा है। मैं दोबारा से, ओके, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूँ, प्लीज हाँ प्लीज कनेक्ट करवाइए दोबारा से। मैं जावेद अंसारी जी आपके पास आ रहा हूँ, और इस सवाल के साथ कि क्या आपको भी यकीन है कि कांग्रेस 300 पार करने जा रही है? हमें ये यकीन है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़े हैं, हमारी 40% जो महिलाएं लड़ी है वो पुरजोर तरीके से लड़ी है, हमने सकारात्मक राजनीति तय करी है उत्तर प्रदेश में, हमने मेन मुद्दे उठाए हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो भर्ती विधान हो, चाहे वो उन्नति विधान हो, चाहे वो शक्ति विधान हो,
आज किसानों की हालत यह है कि किसान उतना गेहूं उगा नहीं पा रहा जितना छोटा जानवर उनके गेहूं खा जा रहे हैं। नहीं, ये सब बातें तो गेहूं किसानों के खा चुके हैं। जावेद जी, ये सब बातें तो हो गई ना चुनाव में, आपने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगा लिए। जी जी जी, है ना सर। तो आप सीधे सीधे बताइए ना कि जनता आपको वोट दे रही है तो कितना भरोसा है, सही सही लगा लीजिए। वो तो विनय जी कह रहे 300, हमें आप जावेद जी कह, आप बता दीजिए आपको कितने, 200 दूं, 300 दूं, 250, कितने चाहिए? ठीक है, हम नंबर नहीं बताएंगे क्योंकि हम ज्योतिष नहीं है। आपने पहले बोला कि वो ज्योतिष दिखाओ जो भविष्य बता सके, मैं ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन हमारी बहुत अच्छी सीटें आएंगी और हम जो है सरकार बनाने के लिए लड़े हैं। वो कितनी आएंगी वो 10 तारीख को पता लगेगा। अच्छा, सरकार बनाने के लिए लड़े हैं, सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल बनाएंगे हम, चना चना छीलने के लिए नहीं चुनाव लड़े हैं, सरकार बनाने के लिए लड़े हैं। अब वो जनता डिसाइड करेगी किसकी सरकार बनेगी, भाजपा की बनेगी, सपा की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी। आपको उम्मीद तो होगी ना जावेद जी, मैं वही उम्मीद पूछ रहा हूं। 100% उम्मीद है, 100% उम्मीद है। 100% किस बात की? जीत की। जीत की, जीत की सरकार बनाने की। कितने, 250 सीटें आ रही है आपकी? मैं, अब बहुमत आएगा वो 202 आए या 400 आए हमें नहीं पता, सरकार बनाएंगे हम। सरकार बना लेंगे, आपको लगता है ये सातवें चरण में बनाएंगे? अच्छा, आपका अनुभव क्या कहता है, ये सातवें चरण में रण अभी भी खुला है या फिर मुकाबला छठे चरण तक खत्म हो चुका है, वाइंड अप हो चुका है? जब तक एक एक वोट ना पड़ जाए, जब तक एक एक वोट की गिनती ना हो जाए, तब तक कोई भी आकलन करना गलत होगा। विनय जी ने कांग्रेस को बहुत हल्के में ले रहे हैं, हमारे पत्रकार साथी भी, भाजपा के साथी भी, सपा के साथी भी, लेकिन हम चौंकाने वाली सीटें जीतेंगे। विनय जी ने कहा कि छठे चरण तक तो सब कुछ तय हो गया कि किसकी सरकार आ रही है, अधिकारियों को भी पता चल गया, रंग पुताई का काम चल रहा है। तो कल फिर ओथ करवा दीजिए इनकी, कल ओथ करवा दीजिए इनकी, फिर चुनाव रद्द कर दीजिए सातवां चरण। अच्छा, लेकिन एक बात हकीकत बताऊं आपको सर, आप इतिहास लिखना तो बाकी है ना। अच्छा, जो करा दिया, अच्छा लिखी जाएगी, लेकिन एक बात, हम इतिहास दोहराते नहीं है, नए इतिहास को लिखते हैं। नए इतिहास को लिखते हैं, सभी नए इतिहास लिखेंगे। आपकी लाल टोपी देख के अभी गुर्रेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। खैर, मैं एक कमेंट ले रहा हूँ, गुर्रेश जी भी जुड़ गए। मुझे एक बात बताइए जावेद जी, देखिए पन्ना प्रमुख बना लीजिए, झोला प्रमुख बना लीजिए, ग्रास प्रमुख बना लीजिए, सभी तो ग्रास रूट पर लड़ते हैं ना। अजय कुमार लल्लू से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, अजय कुमार लल्लू से ज्यादा मेहनत किसी ने की नहीं होगी चुनाव में, मैं बोलता हूँ। मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, मैं मानता हूँ आपकी बात, अजय कुमार लल्लू से ज्यादा मेहनत किसी ने नहीं की होगी, मैं आपकी बात भी स्वीकार कर लेता हूँ कि कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि एक प्रदेश अध्यक्ष जिससे कोई इफ और बट नहीं, ईमानदारी के साथ उसने चुनाव में मेहनत की, मैं खुलकर इस मंच से कह रहा हूं, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए हर पार्टी में जो मेहनत करे पार्टी के लिए। लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने भी मेहनत की है, उनके 18,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जेल में गए। सुन लीजिए, लेकिन इसी के साथ मेरा एक बड़ा लेकिन है, पन्ना प्रमुख बनाओ, झोला प्रमुख बनाओ, ग्रास रूट पर चुनाव लड़ो, लेकिन भैया ये वोटर कहां से लाओगे? वोटर कहां से लाओगे? प्रदेश की जनता, वोट तो वोटर ही डालेगा, प्रदेश की जनता देगी। जावेद जी, पांच राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं। अच्छा, सब जगह से पलायन होगा इनका। अच्छा, सब जगह से पलायन होगा। जावेद जी, ओके गुर्रेश जी, जावेद जी कह रहे हैं कि अब हम शपथ लेने जा रहे हैं यूपी में और उत्तराखंड में भी तो लेंगे ही, पंजाब में भी लेंगे, पांचों राज्य हमारे हैं और यूपी में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते, हमारी सरकार बनना तय है उत्तर प्रदेश में। देखिए, बोलने का अधिकार सबको होता है और ये कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय हैं तो वो बोल सकते हैं, लेकिन ग्राउंड की स्थिति देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो बड़ी स्पष्टता कहता हूं मैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठा हूं, यदि उत्तर प्रदेश में सबसे कमजोर पार्टी कोई है तो सकता है कि खाता खुलना इस पार्टी को मुश्किल पड़ जाए, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात करते हैं तो इसका सही टेबल है, ये खाता भी नहीं खोल पाएंगे। हो सकता है, पिछली बार आप देखिए कि समाजवादी पार्टी ने इनको लगभग 100 से कुछ कम सीटें दी थी, लेकिन 100 के आसपास का आंकड़ा दे दिया था, उसके उपरांत भी इनकी स्थिति क्या थी, उसके बाद जब आज ये खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश
कर रहे हैं और फिर स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं हाँ एक बात कहता हूँ, आप ये पूछते हैं मुझसे कि मैं हमेशा अपनी पार्टी की तारीफ करता हूँ, लेकिन केंद्र सरकार ने गलत की है। मैं मानता हूँ पिछले 7 सालों में कि राहुल गांधी की रैलियों के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगाया जो कि लगाना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे बताइए गुर्रेश जी, हर सवाल का जवाब राहुल गांधी नहीं होता ना। मैंने ये पूछा कि ये 7वें चरण में मुकाबला अभी जो है आपको दिखाई दे रहा है, ग्राउंड ओपन है या फिर खेल खत्म हो चुका है? देखिए 6 चरणों की यदि मैं बात करूं तो हमने सरकार बना ली 6 चरणों में ही, तो ये 7वां जो चरण है ये जिसको कहते हैं ना आईसिंग ऑन द केक। आवाज कुछ दब गई है गुर्रेश जी की? नहीं नहीं आएगी गुर्रेश जी की, आज इंटरनेट की वजह से दिक्कत आ रही है जी। गुर्रेश जी प्लीज कंटिन्यू। 6 चरणों में सरकार बड़ी आराम से बन चुकी है, लेकिन 7वां चरण जो है वो आइसिंग ऑन द केक का काम करने वाला है। अच्छा ओके, मैं गुर्रेश जी को प्लीज दोबारा से कनेक्ट करिए, गुर्रेश जी की बात को आगे ले जा रहा हूँ। प्रकाश द्विवेदी जी, ये तो दावे हैं, दावों का क्या? अब देखिए जावेद जी ने कितनी जोर से मुझे गुस्सा किया, बोले कि नजरअंदाज कर रहे हो हमें, मजाक बना रहे हो हमारा। मैं तो कह रहा हूँ कि इनको ना मेहनत की है इन्होंने, कोई दो राय नहीं, लेकिन वोटर कहां से आएगा ये बड़ा सवाल है। जो मैंने ग्राउंड पर देखा, मैंने महसूस किया, मैंने वही बात बोल दी उनको। अब विनय जी कह रहे हैं कि भैया ये 250 पार तो हम कर चुके हैं, ये तो आखिरी चुनाव रण इसलिए हो रहा है कि लीड लेंगे, हम इतिहास रचेंगे। गुर्रेश जी कह रहे हैं 300 हमारे पक्के, इस हिसाब से तो लगभग 600 सीटें हो गई। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई 7वें चरण में अभी मैदान खुला है या कार्यक्रम समाप्त हो चुका है? 7वें चरण में 54 सीटों पर चुनाव होने लिए है। 54 सीट में एक सीट अजय कुमार लल्लू जी का भी है जी, और कांग्रेस सिर्फ वही सीट जीत रही है, बाकी कहीं पे ना वो फाइट में है और ना इनके कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, ना तीन में ना तेरह में। अच्छा, और बाकी ये जो तस्वीरें वायरल, ये विनय सिंह जैसे नेता तस्वीरें वायरल करवा रहे हैं, विनय जी जैसे कि अधिकारी घर की पुताई करवा रहे हैं, ये अयोध्या में बोर्ड चेंज हो रहे हैं जिला अधिकारी के, ये क्या मसला है? देखिए उस पे तो चुनाव आयोग को अपना संज्ञान लेना चाहिए, अगर कोई सरकारी ऑफिसर ऐसा काम कर रहा है तो इस पर चुनाव आयोग को देखना चाहिए, इस पे राजनीतिक पार्टी अपने विरोध दर्ज करे। आपका आकलन क्या कहता है, आपका आकलन क्या कहता है कि अब तक जो 6ठे चरण का चुनाव हुआ है, क्या वाकई में जनता ने यह तय कर लिया कि सरकार किसकी बनने जा रही है, या फिर ये आखिरी चरण तय करेगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है? देखिए 6ठे चरण में जो चुनाव हुआ था उसमें एक सीट था फाजिल नगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। आपको याद होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का यहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे पटरौना से, और लास्ट हाँ पटरौना से जब आरपीएन सिंह जी ज्वाइन किए बीजेपी, विक्रमा यादव वहां से लड़ रहे समाजवादी पार्टी के जी 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 जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को सीट दिया गया फाजिल नगर, जहां से समाजवादी पार्टी पिछली 2 बार हार रही है वो सीट इनको दी गई। दूसरी बात की बीएसपी भी वहां संतोष तिवारी के टिकट काट करके किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए, एक ब्राह्मण समाज का टिकट काट के किसी और व्यक्ति को दी गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी वहां से बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। अच्छा कहां से? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं उसी के बगल पथरदेवा से बिलोंग करता हूं। पथरदेवा से बिलोंग करते हैं अगर आप, तो आपको पता होना चाहिए कि फाजिल नगर की स्थिति क्या है, किन समीकरणों में है, वहां की जनता कितना त्रस्त थी। आपको विनय जी, विनय जी गुस्सा नहीं, विनय जी एक मिनट उनकी बात तो आने दीजिए, प्रकाश द्विवेदी जी की बात तो आने दीजिए, बोलिए प्रकाश जी। मैं भी गोरखपुर से आता हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे भी वहां की सारी स्थिति पता है। तो सर आपको मालूम होगा ना कि मौर्य जी के आने पर भीड़ आ रही है, वोट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या राजभर जी के आने पर वोट मिल रहा है, ये भी आकलन होगा ना आपके पास? रुक जाइए एक मिनट, बात रखने दीजिए उनको, प्रकाश द्विवेदी जी बात रखिए अपनी। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस बात को खुद स्वीकार कर चुके हैं कि यहाँ पर लड़ाई चुनौतीपूर्ण है।
ठीक, इस बात को विनय जी को मानना चाहिए। आप पहले न्यूज देखिए, समय प्रसाद मौर्य जी का बयान देखिए, समय प्रसाद मौर्य जी के बेटी का बयान देखिए, जो भाजपा में है वर्तमान में, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि वहां पर लड़ाई बहुत बहुत टाइट होने जा रही है। अच्छा मुझे ये बताइए ना प्रकाश द्विवेदी जी, आपका आकलन क्या कह रहा है? मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा मैं जो कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि छठे चरण तक क्या जनता ये तय कर चुकी है कि किसकी सरकार बनानी है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, या फिर सातवें सातवें चरण तक ये पूरी कहानी खींचेगी, या आपको लगता है ये आखिरी चरण तय करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? मेरा सवाल ये है। देखिए पहले जब एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके पहले सरकार रिपीट करती थी कांग्रेस सरकार में, उसके बाद हर पांच साल पर सरकार चेंज हुई है। लेकिन इस बार हमको ऐसा लग रहा है, जनता को देखते हुए, जनता के माहौल को देखते हुए, कि सरकार कांग्रेस की तरह इस बार भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करेगी। अच्छा, इसका आधार क्या लगता है आपको? इसका आधार देखिए, इसको हम बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाइए तो केवल केंद्र सरकार की योजनाएं आपको दिखाई देगी, राज्य सरकार की योजनाएं बहुत कम दिखाई देगी आपको। और इसका सबसे बड़ा मुद्दा है और योगदान जो है श्री राम मंदिर का। अरे राम मंदिर की वजह से आप कैसे, माफ करिएगा, एक मिनट सर, माफ करिएगा, पत्रकारिता मैं भी करता हूं और आप भी। पत्रकार का काम ये नहीं होता, बोलिए, पत्रकार का काम ये नहीं होता साहब, माफ करिएगा, मैं आगे कार्यक्रम में आपको आप किसी पार्टी के प्रचारक हो सकते हैं, किसी पार्टी से संबंध रख सकते हैं, मैं माफी चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रकाश द्विवेदी जी। ये सवाल अपने आप में है कि आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है, और क्यों आखिरकार फाइनल राउंड का जिक्र किया जा रहा है कि 10 मार्च को आखिरकार क्या होगा, अब फाइनल राउंड तय करेगा। क्या वाकई गुर्रेश शेख, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, क्या फाइनल राउंड ही तय करेगा, या फिर 300 पार कर चुके हैं आप, जो दावा आप लोगों का था? मैं आपको बड़ा स्पष्ट था एक बात कह रहा हूँ कि छठे राउंड में हमने ऑलरेडी सरकार बना ली थी, और ये जो अब सातवां राउंड है ना, ये टॉपिंग ऑन द आइसिंग ऑन द केक का काम करने वाला है। और अभी जितनी बातें हो रही थी, मैं कुछ मूल मुद्दों की बात करूं, यदि आप देखें कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव क्यों जीत रहे हैं, उसके तीन चार बड़े कारण है। एक तो उत्तर प्रदेश को जो माफिया राज से मुक्ति मिली है और एक आत्म सुरक्षा का भाव जागृत हुआ है लोगों में, वो एक अपने आप उनकी तरफ खींच के लेके आता है। और विशेषकर महिला वोटर को, और हमको नहीं भूलना चाहिए कि महिला वोटर आधा हमारी आबादी का हिस्सा है। दूसरा आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक तरह का जो करप्शन था, और एक पॉलिटिकल करप्शन था, मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल करप्शन पर जिस प्रकार से लगाम लगाई है वो भी अभूतपूर्व हुआ है। तो ये दो तीन फैक्टर ऐसे हैं, लाभार्थी चेतना अपने आप में, जो मैं शब्द का उपयोग करता हूँ, लाभार्थी चेतना जो है वो अपने आप में जागृत है, और वो वोटर को वोट की मशीन तक खींच के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाती है। तो ये दो तीन ऐसी चीजें हैं जिन्होंने ग्राउंड पर काम किया है, वो वही हमको जिता रही है। अच्छा, तो साथ में जो एक्स्ट्रा जो वोट मिलता है वो मोदी डिविडेंड को, यानी ये 250 पार वाले, 250 पार वाला वोट मिल रहा है आपको, अब आप ये कह रहे हैं? एक सेकंड, हमें कहा ना कि इस राउंड से सरकार बन चुकी है। नहीं, सरकार बन गई ना आपके मुताबिक छह चरण तक, जो अब सातवें चरण की लड़ाई है अतिरिक्त सीटों के लिए, अतिरिक्त सीटों के लिए। और जो अभी देखिए विनय जी हंस नहीं रहे हैं, सीरियसली एक डिबेट कर रहे हैं, लेकिन माफ कीजिए जावेद साहब जो हंस रहे हैं ना, ये डिबेट की सीरियसनेस को भी खत्म कर रहे हैं, जबकि क्योंकि उसका कारण है कि इनके स्टेक्स नहीं लगे हुए हैं, स्टेक्स यदि किसी के हैं तो विनय जी और हमारे हैं, हम सीरियस बात कर रहे हैं इसलिए। अच्छा, तो विनय जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, विनय जी अपनी बात रखिए, फिर मैं एक महत्वपूर्ण आज की तस्वीर दिखा रहा हूं। मैं गुरेल जी को एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं प्रचार में जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बांसगांव के क्षेत्र में प्रचार में था, तो मैंने एक चीज देखा, जब मैं दलित बस्तियों में गया तो लोगों को सिलेंडर मिला हुआ था, लेकिन लोग लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हुए नजर आए,
और उस सिलेंडर के ऊपर उसी चूल्हे के बगल में लकड़ी उड़ रखा हुआ था। जब मैं हम लोगों ने पूछा कि आखिर जब आपको गैस सिलेंडर मिला हुआ है तो फिर आप चूल्हे पे क्यों बना रहे, कह रहे भैया ये भराएंगे कहाँ से, दिनों प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो आपको ये भराया कहाँ जाएगा। आपको सिर्फ चूल्हा ही मिला, आपने जो कहा मुझे क्या मिला मैं बताऊं आपको, गलती से मैं भी गया था। एक चीज और बता दूं, एक लैपटॉप भी मिला था, वो वाला देखा क्या आपने लैपटॉप? जी जो आप लोगों ने दिया था वो लैपटॉप देखा था क्या? बिल्कुल देखा, लोग चला रहे हैं, लोग काफी उससे फायदा पहुंचा। अच्छा, लोगों को फायदा पहुंचा उससे, ओके जी। एक चीज और बता दें जी, जो लाभार्थी की बात कर रहे थे, लोगों के बीच में जाने के बाद एक आक्रोश और नजर आया। हाँ। लोगों का कहना था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अधिकार के वजह से जो खाद्य सुरक्षा बिल अधिनियम है आज उसके तहत कोई भी सरकार हो हमें राशन मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे गरीबी का मजाक उड़ाते हुए बार बार हमें लाभार्थी कहके हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा करके बार बार मंच से तो आप इन्हें लाभार्थी नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? लाभार्थी आप नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इन्हें? नमक के नाम पे जब आदमी मांगने लगे हो तो ये क्या है? देश में बात होनी चाहिए, किस पर होनी चाहिए, मुद्दों पे। जब माननीय प्रधानमंत्री ये कहे, सुन लीजिए, जब माननीय प्रधानमंत्री ये कहे आखिर आतंकवादी क्यों साइकिल पे बम रखते हैं, कभी ये कहा कि आखिर गरीब साइकिल से क्यों चलते, ये कौन सी बात है? यानी आप ये है, आज बात किस पर होनी चाहिए? यानी आप ये कह रहे कि सरकार किसकी बनेगी ये तय हो चुका है कुल मिलाकर, ये है ना? यस यस। अब तो सिर्फ ये 7 तारीख को जो है वो फुल एंड फाइनल है, मतलब? जी हाँ जी, एक नया इतिहास लिखेंगे 7 तारीख को। अच्छा, नया इतिहास लिखेंगे जी। ओके, जावेद जी अपनी बात रखना जरा, जावेद जी बात रखिए फिर उसके बाद, क्योंकि मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सवाल इन्होंने उठाया कि वोटर कहाँ से लाओगे, वोटर हमारी रैली में देखिए और हमारी सभाओं में देखिए कितना वोटर आ रहा है। और गुरेश जी ने कहा कि मैं हंस रहा हूं, मैं सीरियसली नहीं ले रहा हूं। जब भी भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं तो मेरे पास कुछ और नहीं होता हंसने और मुस्कुराने के सिवा। वो कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं की रक्षा की, पंचायत चुनाव में चीर हरण हो रहा था। चिन्मयानंद को ये शायद भूल गए, स्वामी चिन्मयानंद को, कुलदीप सेंगर को शायद ये भूल गए, उन्नाव भागवत को शायद ये भूल गए, सब भूल गए। सबसे ज्यादा पुलिस कस्टडी में मौत उत्तर प्रदेश में हुई, सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ, सबसे ज्यादा अत्याचार माइनॉरिटीज पर उत्तर प्रदेश में हुआ, एनसीआरबी के अनुसार बता रहा हूं। योगी जी कह रहे थे, मेरी एक बात पूरी होने दीजिए, योगी जी कह रहे थे कि अगर आप दूसरी पार्टी को वोट देंगे तो केरल बन जाएगा, केरल शिक्षा में इनसे आगे है। जावेद जी इतने मुद्दे थे, तमाम मुद्दे थे, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, पानी पी पी के आपने कोसा, यही कह रहे हैं ना आप? अगर उसके बावजूद भी आपकी तो ज्यादा से ज्यादा, तब भी वो कह रहे थे कि एक सीट नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं अगर 5 सीटें भी ना आई इसके बावजूद फिर क्या करेंगे आप? मैं कह रहा हूं भाजपा की 0 आएगी तो मेरे कहने से थोड़ी 0 हो जाएगी, तो मैं वही पूछ रहा हूं ना सर, मैं तो 5 कह रहा हूं, वो तो 10 तारीख का पता लगेगा। मैं तो सबको बोल रहा हूं कि सबकी 0 आएगी तो मेरे कहने से नहीं होता है। तो सर आपके कहने से ये भी नहीं होता ना कि मैं 300 पार करने जा रहा हूं, आपने जैसे अभी कहा कि हम मैंने कहा ही नहीं 300 पार कर रहा हूं, आपसे मैंने कहा ही नहीं 300 पार कर रहा हूं, मैंने तो कहा हम पूरी ईमानदारी से लड़े हैं, सरकार बनाने के लिए लड़े हैं और हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, कौन सी पार्टी है जो ये नहीं कहेगी हम सरकार बनाएंगे? मेरी तरफ से मुबारक, जीतने के लिए लड़े जीतेंगे। ओके, मेरी तरफ से मुबारकबाद ले लीजिए एडवांस में, ये तो थैंक यू। ओके, आपको मिठाई खिलाई जाएगी 10 तारीख को सर, मैं 5 राज्यों में आप आकलन कर लेना कांग्रेस का जो बोल रहा हूँ, 5 राज्यों की बात करना टोटल, बिल्कुल टोटल बात करूंगा। उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, जी उत्तर प्रदेश की भी करेंगे, उत्तराखंड की भी बात करेंगे, गोवा की भी करेंगे, सबकी बात करेंगे, पंजाब की भी करेंगे। लेकिन आपकी मिठाई सर मैं वैसे कबूल नहीं करता, नेताओं की मिठाई, एग्जिट पोल आ जाने दो, उसी दिन बैठेंगे मालूम पड़ जाएगा। ये फिर तो फिर ये चर्चा किस काम की, जब 10 तारीख को पता ही चल जाएगा कौन सरकार बना रहा है। खैर नरंजन जी, आपका अनुभव, आपका आकलन, फिर मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अब चुनाव, जैसे विनय जी कह रहे हैं कि कार्यक्रम तो समाप्त हो चुका है, ये तो हम जीत चुके हैं, छठे चरण में खेल खत्म हो चुका है, अब 7वां चरण तो लीड लेने के लिए है, आपको भी ये लगता है या फिर जनता अभी भी, इलेक्शन खुला है, ओपन है,
आखिरी चरण में तय होगा कि किसकी सरकार बन रही है। देखिए तिलक जी, मेरा ऐसा मानना है कि इस बार कोई भी अनुमान किसी भी साइकोलॉजिस्ट का, किसी भी राजनीतिक विश्लेषक का, किसी भी चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे कोई भी हो, सब इस टाइम जो है वो मुगालते में है। और इस बार जो चुनाव हुआ है, इस बार जो वोटर जिस तरीके से साइलेंट है, मैं आपको बता दूं 10 तारीख को फिर से शायद ये रुका मच जाए कि ईवीएम हैक होगी। मेरा ऐसा अच्छा, मानना है ईवीएम जी ईवीएम हैक हो गई। मैं समझा नहीं आपकी चुनाव बात। के बाद में तो मतलब आप ये कह रहे हैं के बाद में अक्सर ऐसा ही होता है। मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जावेद जी और विनय जी ये कहेंगे 10 तारीख को कि ईवीएम खराब हो गई, हैक हो गई। अभी ये कहीं से चले आ रहे हैं लेकर हमारा नाम लेने वाले पूछे अपना सवाल आपके डायरेक्ट पूछ रहे होंगे, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, आप पत्रकार के रूप में आए हैं, एक एनालिसिस तो दीजिए। मेरे को इको आ रहा है बहुत ज्यादा। एक मिनट विनय जी एक मिनट उनको बात रखने दीजिए अपनी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 10 तारीख को ये कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई, विपक्ष यही कहेगा? मेरे को ये इसलिए लग रहा है तिलक जी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हमने भी दौरा किया, हम भी घूमे, क्योंकि देखिए अगर ये शांति से सुने तो मैं इनको बता सकता हूं कि वास्तव में क्या है कि इस बार जो बहुजन समाज पार्टी को ये कहीं नहीं आंक रहे, वो बहुजन समाज पार्टी भी बहुत बड़ा खेल करने वाली है। पहली बात तो ये, दूसरी बात जो अखिलेश जी ने जिस तरीके से इस बार अपना एक जातीय समीकरण बनाया था, और अखिलेश जी ने क्षेत्र वाइज वहां की जो एक मार्शल कौम होती है या मुखर कौम जिसको मैं कहूंगा, उनको सबको साथ जोड़ करके उन्होंने अपना एक चुनावी चक्रव्यूह तैयार किया था। लेकिन ये चीज मैं आपको बता दूं कि जो चाहे पश्चिम में आप समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाट आरएलडी का जो जाटों के साथ था, ये मुखर वोट होता है, ये 100 लोगों के बीच के अंदर भी ये अपनी बात को रखे बिना मानता नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है किलर जी, वो साइलेंट वोटर है, तो निर्दलीय को भी नाराज करके नहीं भेजता। तो ये 2000 आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये 2017 और 2019 में साइलेंट क्यों नहीं था, ये 2022 में साइलेंट क्यों हुआ है साइलेंट वोटर? 2017 में तो इतना साइलेंट नहीं था, 2019 में भी इतना साइलेंट नहीं था, लेकिन 2022 में वो साइलेंट हो गया, मैं ये नहीं समझ पा रहा। देखिए तिलक जी, ऐसा है कि 2017 की यादें हमारे को, आप इनको उन यादों को अगर ताजा करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उस टाइम ये एक परसेप्शन बना हुआ कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे या चौथे नंबर के लिए लड़ रही है। नहीं 2017 मैं 2014 मैं 2014 की बात नहीं कर रहा, जब ये कहा जाता था 2014 और 12 में कि ये 14 और 15 फीसदी वाली पार्टी है, मैं 2017 की बात कर रहा हूं, जब 39% और 40% वोट जीतने के लिए लेने के लिए पार्टी लड़ रही थी, तब वोटर साइलेंट नहीं था। उसके बाद 2019 तब वोटर साइलेंट नहीं था, लेकिन 2022 में वोटर साइलेंट क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूं सर आपसे। तिलक जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं जो आप मेरी जो बात है मैं यही रख रहा हूं कि 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव में नजर नहीं आ रही थी, ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा था। 2017 में चेहरे सर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, 2017 की बात बता रहा हूं, 2017 में नहीं बता रहा हूं मैं, 2017 में भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम ना केंद्र के इनके पास कोई विशेष काम थे, नोटबंदी के घेरे के अंदर चुनाव हुआ था। आपने देखा होगा कि 2016 में नवंबर के अंदर नोटबंदी हुई थी, 17 के अंदर मार्च और अप्रैल के अंदर चुनाव हुए थे, फरवरी मार्च में चुनाव हुए थे, और कुल मिला के वोटर साइलेंट वोटर जो है वो बीजेपी के साथ आएगा। तिरंजीत 30 सेकंड, 2017 में ना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की कोई उपलब्धि थी, ना राम मंदिर था, ना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर था, और ना भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के अंदर कोई रिकॉर्ड था। 23 साल से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर सूखा था, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस टाइम केवल और केवल चुनाव समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में चल रहा था। कुल मिला के आप बोलता है, चलिए कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि भैया सरकार तो बीजेपी की बननी जा रही है,
खैर अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ तस्वीरों के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। गुरेश जी, गुरेश अब ठीक है, मैं नंबर दे दूंगा आपको, लेकिन एक बात नहीं, आपको नंबर चाहिए होगा, मैं दे दूंगा उनका नंबर आपको, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, भाषा पढ़ने का इनको बड़ा ज्ञान है, साइलेंट वोटर कोई नहीं पढ़ पा रहा, आपने पढ़ लिया। अच्छा, साइलेंट वोटर, देखिए नरंजन जी ने पढ़ लिया, आप सर्टिफिकेट देंगे, आपके आपके पक्ष में बोलते तो आपको लगता कि नहीं ये बहुत अच्छे बोल रहे हैं। अब उन्होंने कहा छोड़िए, पत्रकार होते करते हर पहलुओं पे करते। तिलक जी, तिलक जी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं केवल एक सवाल पूछ सकता हूँ। नहीं नहीं नरंजन जी, प्लीज डिबेट डिरेल हो जाएगी प्लीज। अब मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था, और मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कि जरा वो तस्वीर प्ले करिए रीता बागड़ा जोशी के बेटे की। जी वो तस्वीर प्ले करिए, और ये तस्वीर मैं गुरेश जी आपको दिखाना चाहूंगा, ये लेटेस्ट तस्वीर है, आज की तस्वीर है ये तस्वीर, जिसको हाथ उठाते हुए और अभिनंदन देते हुए और सीधे तौर पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, जिनका तारुफ करवा रहे हैं। मैं आपका आपको उनका परिचय दे देता हूं। ये तस्वीर, पहली बात गुरेशिक, ये वाली तस्वीर देखी क्या आज की आपने मंच पर? ये जानते हैं आप इनको कौन है? गुरेशिक जी को लाइए लाइन पर। रीटा जी के सुपुत्र हैं ये। गुरेश जी को, जी गुरेश जी देखिए ये वाली तस्वीर आज की लेटेस्ट। जी 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 जी। कौन है, जानते हैं आप इनको? ये रीटा जी के सुपुत्र हैं। रीता बागड़ा जोशी जी के। जी। कौन है रीता बागड़ा जोशी जी? नहीं, हमारे सांसद महोदया हैं और पूर्व हमारे मंत्री भी रही हैं। जी। और उनके सुपुत्र जो है वो टिकट चाहते थे लखनऊ से, जो पार्टी चुकी थी अगर पोस्ट पर है तो आप अपॉइंट करते हैं, उस चीज को हमने उचित नहीं समझा और हमने दूसरे कैंडिडेट को दिया, तो ठीक है ना, ये लोकतंत्र है। कल से आप समझिए कि मुझे भी किसी पदल में जाना हो तो कोई रोक सकता है क्या? कोई किसी को नहीं रोक सकता। क्या इन तस्वीरों को देख के आप लोगों का मनोबल गिरता है क्या कि वहाँ छठे सातवें चरण का चुनाव हो रहा है और खुद हमारी सांसद की जो है, ये देखिए तस्वीरें, हमारे सांसद का बेटा वहाँ मंच पर जाकर जो है समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होता है और बकायदा उस समाजवादी पार्टी का चेहरा उसका हाथ उठाते हुए दिखाते हैं कि देखिए रीता बागड़ा जोशी के बेटे हैं। आप लोगों के मनोबल पर कुछ असर पड़ता है इस तरह की तस्वीरें देख के? देखिए, रीता बागड़ा जोशी जी के सुपुत्र विद ड्यू रिस्पेक्ट तो उनको मैं कि बहुत लोग नहीं जानते, वेरी प्रसाइज, मैंने भी आज ही पहली बार उनका चेहरा देखा था, और यदि नाम नहीं आता कि उनके सुपुत्र हैं तो शायद पहचानता भी नहीं, इसलिए अच्छा, तो मतलब इतना हम सोचेंगे भी नहीं। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे कि उनको कोई जानता नहीं था? नहीं, आप बताइए ना कि कितने लोग हमारे पैनल में, जितने लोग बैठे अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि अगर चेहरा दिखाते और नाम के बिना रीटा, सन ऑफ रीटा बहुगुणा जोशी या बहुगुणा नाम हटा देते साथ में, तो कितने लोग पहचानते उनको? अच्छा अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ता इस तरह की तस्वीरों से? देखिए, बहुगुणा जोशी जी एक बड़ी नेत्री हैं, बिल्कुल, और उनके पिताजी उनसे बड़े नेता थे, लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं जरूरी नहीं है कितने बड़े नेता हो। अच्छा अच्छा, और यदि ऐसा होता तो फिर तो वंशवाद की पराकाष्ठा हो जाती। सपा के नेता तो ये कह रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखकर आप जो है वो गर्मी उतारने वाले नेता जो है वो ठंडे पड़ गए। क्या होता है कि ईश्वर ने जुबान दी है चलाने के लिए, चलाते रहो। अच्छा, 2019 में इवन एग्जिट पोल से पहले, और इवन एग्जिट पोल जब आया था तब भी मैं कुछ बहसों में था टेलीविजन की, तो जो आउटलेट थे उनके अलावा सब कह रहे थे 180-220 के बीच में आएंगी, और हम कह रहे थे हमको अंडर करंट दिख रहा है, हमारा कार्यकर्ता जो बूथ लेवल का पन्ना लेवल का वो अंडर करंट बता रहा है, हम 300 क्रॉस कर रहे हैं और 303 का नंबर आया था, तो वो इसी वजह से ये भी इस बार भी मैं कल रात को भी आधे पौना घंटे तक के अलग अलग लोगों से बात कर रहा था और यही पूछ रहा था कि अंडर करंट क्या है। आप ये कह रहे हैं, उनका ये कहना था 2019 वाला अंडर करंट है आज भी। अच्छा अच्छा, अंडर करंट है, मैं समझ गया, वो साइलेंट वोटर जो बता रहे थे नंदन जी, मैं खैर उससे आगे आ रहा हूं। फिर ये क्या वजह है कि अधिकारी जो है वो बोर्ड का रंग चेंज कर रहे हैं, रंग पुताई हो रही है, अखिलेश यादव से जुड़ी हुई इमारतों पर रंग पुताई हो रही है, और ये कह रहे कि देखिए कि इन तस्वीरों से संकेत है नेता भी शामिल हो रहे हैं, ये संकेत है कि आखिरी चरण में भी समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ना चाह रहे हैं, इसका मतलब यह कि सरकार आ रही है हमारी।
अब ये कह रहे हैं कि आप लोग छठे चरण में आप लोगों के छक्के छूट गए, कुल मिलाकर ये लोग ये कह रहे हैं। यदि अधिकारी इतना सब कुछ करने में सक्षम होता तो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी कभी नहीं हारती। हम अधिकारी को नहीं देखते, हम ग्राउंड को देखते हैं, हम बूथ को देखते हैं कि बूथ की स्थिति क्या है, और वो जो बूथ है ना वो डिसाइड करता है कि लखनऊ की गद्दी पे या दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा, कोई एसपी डीएम नहीं करते डिसाइड। नहीं नहीं सर, पन्ना प्रमुख को बूथ पर ठीक है, ये राजस्थान में भी बनाया आपने, छत्तीसगढ़ में भी बनाया, झारखंड में भी बनाया, हर राज्य में बनाते हैं ना आप, पन्ना प्रमुख बनाकर ही चुनाव लड़ते हैं ना कि नहीं? पन्ने की जो इकाई जो हमारी ना ये के बाद आई है, और मुझे सौभाग्य है कि आज के समय हमारा प्रत्येक पदाधिकारी प्रदेश का, इंक्लूडिंग मैं मध्य प्रदेश में, मैं भी पन्ना प्रमुख हूँ। तो पन्ना प्रमुख का जो दायित्व होता है उस पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ हाउसेस दिए जाते हैं कि आपको इन लोगों को बूथ तक ले जाना है, वोटिंग करवा देना है। आपकी बात, आपकी बात सही है, लेकिन लेकिन यही पन्ना ना ना पन्ना यही परमार आपने पन्ना प्रमुख जो है छत्तीसगढ़ में भी बनाए होंगे, झारखंड में भी बनाए होंगे, मध्य प्रदेश में भी बनाए होंगे, है ना सर? तो ये एक अलग विषय है, लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा और फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये प्रतापगढ़ की तस्वीरें हैं जिसका कह रहे थे ना ईवीएम हैक हो गई, एक तस्वीर वायरल हो रही है। अब मैं वो तस्वीर आपको दिखाता हूं, इस तस्वीर को पहले ध्यान से देखिएगा फिर मैं बताऊंगा ये पूरा माजरा क्या है। हेलो ये तस्वीर मैं आपको बता देता हूं, आपने देखी होगी तस्वीर। ये तस्वीर दरअसल बताई जा रही है कि प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा की है, और बकायदा पोलिंग बूथ पर बैठे कर्मचारी फर्जी मतदान कैसे करते हैं, नाम लेते हैं, बुलाते हैं, और खुद आप देख रहे होंगे वो वोट खुद डाल देते हैं। और इस कर्मचारी को बताया जा रहा है कि तत्काल निलंबित कर दिया गया है। वैसे इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, मगर ये वीडियो वायरल हो रहा है। बकायदा एक शख्स बुलाता है, नाम लेकर वोटर को बुलाता है, वोटर पहुंचता है, लेकिन वोटर खुद बटन दबाए, उससे पहले वो खड़ा कर्मचारी वहां पर आप देख रहे हैं वो बटन खुद दबा देता है, खुद दबा देता है। ये गुर्रेजी, ये तस्वीरें हैरान नहीं करती आज के युग में भी इस तरह से है कि नहीं? पहले होता था कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग हो गई। और इस तस्वीर के विषय में ज्यादा जानता नहीं, लेकिन जो प्राइमा फेसी मुझे देखकर दिख रहा है तो ये बहुत खतरनाक है, और मैं तो चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा यदि ये निलंबित होना से काम नहीं होना है। ये अधिकारी या ये बंदा सौभाग्यवश उसका चेहरा पूरा दिख रहा है, इसके खिलाफ तो दंडात्मक कार्रवाई भी होना चाहिए। अब बताइए ये कैसे हो पाएगा? देखिए आप निष्पक्ष चुनाव, कितनी मुहिम छेड़े हुए चुनाव आयोग को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। ये बात है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या सपा बसपा की नहीं है, ये लोकतंत्र की बात है। अब ये किसके पक्ष में वोट कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, कोई नहीं जानता। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, वीडियो में कितनी सच्चाई है ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा। मैंने कहा कि जनता देख ले कि क्या है ये माजरा, जांच होनी चाहिए ना इसकी। हमको भी नहीं पता, हमने तो आपकी टीवी पे देखा, लेकिन कोई चीज वायरल हो रही है तो उसके ऊपर न केवल जांच होनी चाहिए बल्कि जांच होती हुई दिखनी चाहिए चुनाव आयोग के माध्यम से, कार्रवाई भी होती हुई दिखना चाहिए। तो अब ऐसे ही निष्पक्ष चुनाव होगा लगता है आपको? इस तरह की तस्वीरें एक बार दोबारा प्ले करिए, देखिए गुर्रेजी, ऐसे होगा निष्पक्ष चुनाव? वहां अधिकारी खुद बैठे हैं, कर्मचारी वहां पर है, बताया जा रहा है प्रतापगढ़ का मामला है, नाम लेकर बुलाया, देखिए वोटर पहुंचते हैं उसके बाद खुद वोट दबा देते हैं, वो देखिए, है ना? अब ये गुर्रेजी के पक्ष में दबाया, विनय जी के पक्ष में दबाया, नरंजन जी के पक्ष में दबाया, या फिर जावेद जी के पक्ष में, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ईवीएम में बटन जरूर दबाओ। यदि उसने लोटा भी दबाया तो भी उसको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो चीरहरण है वोट का।
हाँ, चीरहरण हो रहा है। ये तो बिल्कुल आसान नहीं है। विनय जी आप हैरान हुए इस तस्वीर को देख के? और मैं तो चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए दिखे। स्वच्छ लोकतंत्र में, एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही गलत तस्वीर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे किसी पार्टी को, जो जनता जनार्दन का जो जनादेश है उसको आने देना चाहिए। आरोप अपने से उस जनादेश को कहीं बदलने का प्रयास नहीं करना। पहले होता था ना भूत कैप्चरिंग हो गई। पार्टी वार्टी की तो बात ही नहीं होना चाहिए, जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा ठीक है। इस तरह देखिए, इस तरह की हरकत कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है, जो कि उसका जनादेश जो होता है स्पष्ट वो आ नहीं सकता। इस तरह की हरकतें होंगी तो कहीं ना कहीं जनता के साथ कल है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो है खुलकर विरोध भी होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर अब ये है कि जावेद जी बता रहे हैं कि हम पांचों राज्य जीतने वाले हैं। जावेद जी, आई एम राइट? आपने यही बोला था? जी बिल्कुल, हम पांचों राज्यों में सरकार बनाएंगे और भाजपा का पलायन होगा पांचों राज्यों से। पांचों राज्यों से आप पांचों राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, लॉक कर दीजिए। लॉक कर लूं सर? सर पक्का? बिल्कुल लॉक कर दीजिए। अच्छा पंजाब में भी बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल। यूपी में भी बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल। गोवा में भी बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, पहले ही बन गई थी गोवा में, तो उन्होंने चीटिंग की भाजपा वालों ने। हमारी 17 सीट आई थी, इनकी 13 आई थी, इन्होंने वहां पे बना ली थी। मणिपुर में 2 सीट पे इन्होंने सरकार बना ली थी। मध्य प्रदेश में कैसे गिराई थी आप भी जानते हैं, कर्नाटक में कैसे गिराई थी वो भी आप जानते हैं। तो ये मतलब कुल मिला के फाइनल राउंड से आपको कोई समस्या नहीं है, आप ही के पक्ष में सब कुछ? नहीं, फाइनल राउंड हो या एक राउंड हो, जब तक फुल इलेक्शन नहीं हो किसी को नहीं कहा जा सकता। उसके बाद 10 तारीख को जनता क्लियर कर देगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बता दो भाई साहब, आपको सब मालूम है। कल ही शपथ करवाओगे क्या? मुख्यमंत्री भी बताता हूँ, अगर आपने संविधान पढ़ा है तो उसमें देखिएगा कैसे बनता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। सर हमको मालूम है राजीव गांधी जी ने कैसे कैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाया। वो बता रहा हूँ ना कैसे बनता है, वो आप संविधान पढ़िए। आप संविधान में मानते नहीं है, आप संविधान में मानते नहीं है। छोड़िए छोड़िए, कैसे हटाया गया? ओके ओके, वो भी बताइए, हरीश रावत को कैसे हटाया गया था गुर्रेश जी? अब छोड़िए ना उस बात को, कई ऐसे मुख्यमंत्री हटते और बनते हैं। ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश किसके नेतृत्व में लड़ा गया? ओके एक मिनट, नरेंद्र जी मुझे योगी जी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनके नेतृत्व में लड़ाया गया। अच्छा योगी जी, तो हार का ठीकरा किसके ऊपर? एक मिनट विनय जी, योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं गुर्रेश जी पक्का? डेफिनेटली, कोई प्रश्नवाचक? उनको डॉक्टर चेतना हरा रही है, चेतना पांडे हरा रही है। एक मिनट सर, एक मिनट ठीक है, आप अब मैंने बधाई तो दे दी, रुक जाइए एक मिनट। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये आखिरी चरण के चुनाव में योगी जी दिखाई नहीं दे रहे, क्यों? योगी जी तो दिख रहे हैं साहब, मोदी जी के साथ हर जगह है। विनय जी बहुत परेशान है, कह रहे हैं योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ नहीं दिख रहे। चलिए मोदी जी जब दिखते हैं तो उनका जो आकर्षण है केवल वो ही दिखते हैं। अच्छा, दुनिया के सबसे ज्यादा मान्य नेता है। अच्छा, तो इसलिए आपने देखा कि यूरोप में भी वॉर हो रही है तो लोग याद मोदी जी को कर रहे हैं, तो मोदी जी तो एक अलग स्थान है अपने आप में। अच्छा, तो इसलिए मोदी जी के साथ योगी जी नहीं खड़े, आप ये कह रहे हैं इसलिए कि उनका प्रभाव कम हो जाएगा? खड़े हैं, वो फोटो खराब हो जाएगी, लोगों से बात कर रहे हैं फोन करके। अच्छा अच्छा, तो ये आखिरी बूथ तक और शक्ति केंद्र तक भी बात कर रहे हैं योगी जी, और योगी जी शपथ ले रहे हैं भाई साहब 10 तारीख को, बहुत सारे गुंडे बवाली जो है ना उत्तर प्रदेश छोड़ने वाले। नहीं, आप उंगली विनय जी की तरफ क्यों कर रहे हैं, पर्सनल मत तो ये प्लीज। मैं आप सबसे सबसे ज्यादा दागियों को टिकट भाजपा ने दिए इस बार, लेकिन आप लड़वा रहे हो। ना ना, मैं नहीं लड़वा रहा, मैं गुर्रेश भाई अभी आपने लड़वा दी। ना ना गुर्रेश भाई, आपने उंगली ऐसे की ना, मुझे लगा कि विनय जी बहुत शरीफ आदमी है, ऐसा नहीं है कि लाल टोपी पहनी है, मतलब आप क्या समझेंगे। खैर छोड़िए उस बात को, यानी कुल मिला के मोदी जी 10 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट है, माफिया भ्रष्टाचारी दंगाइयों के लिए रेड अलर्ट है। बुलडोजर चलेंगे साहब, बुलडोजर चलने वाले बहुत सारी जगह पे आप देखिए। अच्छा नरंजन जी, नरंजन जी, ओके फाइनल कमेंट,
फाइनल कमांड एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ, पहला चरण लगभग 63%, दूसरा चरण लगभग 65%, फिर तीसरा चरण लगभग 62%, चौथा चरण लगभग 60%, पांचवा चरण लगभग 58%, छठा चरण लगभग 55%। ये वोटिंग कम होती गई, चरण बढ़ते गए, वोटिंग कम होती गई। निरंजन, क्या कोई संकेत है कम वोटिंग? देखिए तिलक जी, मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव कम होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक होता है, और जो जिन चरणों के अंदर चुनाव कम हुए हैं मेरे हिसाब से वहां पे भारतीय जनता पार्टी को घाटा होगा। और मैं तो कहता हूं लोकतंत्र के अंदर अधिक से अधिक मतदान होना चाहिए। और रही बात चुनाव के परिणामों की, तो तिलक जी मेरा ऐसा मानना है कि जी ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तो गुलरेज जी कह रहे हैं सरकार हमारी बन रही है, छठे चरण तक तय हो चुका है। विनय जी का भी यही दावा है और दावा कांग्रेस का भी है। जावेद जी कह रहे हैं कि इस बार सब हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस का पंजा सब जगह मजबूत दिखाई देगा। खैर ये दावे हैं, दावों में कितनी हकीकत कितना फसाना 10 मार्च को ये तय हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जनता का मिजाज इस बार 2017 वाला नहीं है। अब नतीजे क्या होंगे ये देखना बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।